हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से एक और बड़ी भर्ती नर्स का जो आ गई है उसी के बारे में जानकारी देने के लिए हम आपके बीच आ चुके हैं। इस वैकेंसीज को सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी राज्य से कहीं के भी स्टूडेंट है बिल्कुल उससे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए पूरा डिटेल्स दे देते हैं। राजस्थान सरकार की तरफ से ये रिक्वायरमेंट जारी किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर की तरफ से ये रिक्वायरमेंट है। 29/4/2022 की डेट में अपडेट किया गया था। हम पूरी विज्ञापन आपको दिखा देते हैं। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट पर सिर्फ चलते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं लेकिन जो आपके लिए महत्वपूर्ण है बस वही देख लेते हैं। बता दूँ, नर्स के बारे में जानकारी दे रहे थे, सीरियल नंबर 1 पर ही देख सकते हो। नर्स ग्रेड 2 का नई रिक्वायरमेंट है। टोटल 435 सीट, बहुत ही ज़्यादा सीटें हैं। 435 सीटों के लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हो। क्वालिफिकेशन भी देखोगे तो सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th पास आउट कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। साथ ही आपके पास GNM का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप लोग BSc नर्सिंग कर लिए हो फिर भी अप्लाई यहाँ पर कर सकते हो। और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का सिंपल तरीका है, आप लोग को सिंपल सा अप्लाई करना है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर, ये एड्रेस है। इस एड्रेस पर आप लोग अपना आवेदन ऑफलाइन आवेदन करना होगा यानी कि डाक के माध्यम से जमा कर सकते हो। 5/5/2022 से पहले यानी कि 5 मई 2022 से पहले जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हो बिल्कुल उससे अपना यहाँ पर अप्लाई कर दीजिएगा। फॉर्म को अच्छी तरह से भर करके उसमें सारा डॉक्यूमेंट अटैच कर दीजिएगा। 10th का, 12th का, GNM का, GNM नर्सिंग का, इंटर्नशिप का, सारा चीज़ का, और आपको कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर के एड्रेस पर सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद फ्रेंड्स, आप लोग को यहाँ पर मार्क्स बेसिस पर यहाँ पर रिक्वायरमेंट होने वाला है। अगर आपके मार्क्स अच्छे होंगे 12th में और आपके GNM के कोर्स में तो यहाँ पर आपके रिक्वायरमेंट में नौकरी मिल सकता है। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, शैक्षणिक योग्यता प्लस तकनीकी योग्यता के प्रतिशत के आधार पर मेरिट बनाकर चयन किया जाएगा, यानी कि डायरेक्ट मार्क बेसिस पर रिक्वायरमेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी जानकारी कंप्लीट हो गया होगा। अगर आपके पास कोई और डॉट हो तो कमेंट करिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, राजस्थान स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड कोई भी नया वैकेंसीज देखना चाहते हो सबसे पहले तो फटाफट चैनल को यार सब्सक्राइब करो, जिससे कि मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आपके पास तक पहुँच सके। आज के इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, रहने देते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। थैंक यू।